वैसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरी है और उसको उसको कहिए कि सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरी है। यह मामला कहीं कुछ नहीं था, मामला इतना ही था कि ये खाली पड़ा हुआ जमीन था जो जिसको आम आवाम सभी को जानते थे कि ये जमीन ये कहीं सरकारी जमीन है, और नापने के बाद जब ये विवाद किया गया कि हाँ नहीं लगेगा वहाँ नहीं लगेगा, तो नाप ये प्रशासन द्वारा नापी कराया गया सीओ के द्वारा, तो ये निकल गया कहिए कि ये कब्रिस्तान में जमीन निकल गया, ये मकान में सुनी कि निकल गया, सो कोई माली जी का जमीन निकल गया। अब तो प्रशासन को ये चुनौती है कि इसको कि जहाँ जहाँ जमीन निकला है उसको खाली कराए, और खाली कराने के लिए हम मांग भी करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो यह एक मामला है कि ये किए जबरदस्ती घर बनाने का, जबरदस्ती कब्जा करने का, उसको प्रशासन इसको ऐसे गंभीरता से ले और खाली कराए और एक सर्टिफिकेट दे कि भविष्य में से सैकड़ों साल तक इसमें विवाद नहीं हो, जो अभी नापी हुआ कहाँ कहाँ निकला उसको मैप के साथ है, उसको ये आम आवाम को कहिए कि यहाँ के लोगों को ये मैप करके मैप के साथ में उसको देने का काम करें, जिससे कि विवाद ऐसा कभी भी भविष्य में इस जमीन को लेकर के यहाँ के ये लेकर के जगह को लेकर के कोई नहीं कर सके। सबसे पहले तो ये, और दूसरी बात ये कि ये प्रशासन ये कहिए कि जहाँ पर थोड़ी सी बात आ जाती है ना, एक कहिए कि मैंने कही हजारों हजार कहिए कई हजार लोगों के जनहित की बात हो, वहाँ पर एक वो लाके कोई कह दे कि दूसरे धर्म के लोग लाके कह दे कि नहीं ये ऐसा नहीं है ऐसे है, तो पे पे होने लगता है लोग ऐसा कहिए कि ऐसा कहिए कि ऐसा ये मतलब ये बाई छूटने लगता है लोग को, ये सब ऐसा उनको नहीं ऐसा करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। और जो सीओ ने ऐसा विलम्ब किया है सुइए अब उसको ऐसा उसको कहिए कि विलम्ब करके बाद ऐसा जो किया है निश्चित रूप से ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो ठीक काम किया है, और इसको तुरंत ऐसा ये चालू करे। और जहाँ तक यहाँ पांकी में ये का बिजली का बात है, बिजली की समस्या बराबर रहती है, एक दो को कहिए कि मिस्त्री उस्त्री है एने से जोड़ो उन्हें उन्हें से जोड़ उन्हें फ्यूज कराओ काम करता है। अभी है ये दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ लगा है, अभी बाजार बस्ती ये पाकी बस्ती में एक और 200 के वी का ट्रांसफार्मर के लिए हमने लिखा है, और ऐसे वहाँ पर प्लेटफॉर्म हम समझते हैं कि बनने की बात है, बन गया होगा, बन गया होगा तो ये कि कल परसों तक फिर दूसरा ट्रांसफार्मर लगा। बाकी में ये बिजली की समस्या है, उसको ऐसा परमानेंट हम लोग ऐसा समाधान कराने का काम करेंगे। और ये इस प्रकार से ये क्यों नहीं बल्कि पूरे पांकी विधानसभा में जहाँ जहाँ कहिए कि ऐसा ये ओवरलोड है, जहाँ ये है उसको हम विशेष रूप से देख रहे हैं, और उसको 25 को 63 और 63 को कहिए कि 100 और 100 को 200 करा करके पूरे पांकी के ये गांव-गांव को बिजली का समस्या से दूर कराने का हम काम कर रहे हैं। लोगों का जिस प्रकार से पांकी के तमाम व्यवसायियों का, पांकी के तमाम ये जन जन का जो सहयोग मिला, इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे और हम लोग इसी प्रकार से सहयोग के बाद हम लोग काम करने का करेंगे, उनका समस्या समाधान कराने का काम करेंगे। और हम तमाम पांकी वासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने एकजुटता दिखाने का काम किया है, और जो धार्मिक